संजय भाई हिंदू मत। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। प्रदेश के कई हिस्सों में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। आप कार्यकर्ताओं ने बदले की भावना और षड्यंत्र करने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। आम आदमी कार्यकर्ताओं का कहना था कि पार्टी तेज गति से जनता के बीच खुद को स्थापित कर रही है और भाजपा इससे असहज है। इस वजह से भाजपा तरह तरह के षड्यंत्र कर आम आदमी पार्टी के नेताओं को सीबीआई के माध्यम से परेशान कर रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता समित टिक्कू ने कहा कि अब भाजपा की तानाशाही के बारे में जनता को पता है। उन्होंने जल्द से जल्द मनीष सिसोदिया को रिहा करने की मांग की है। शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी का जिस तरीके से झूठे इल्जामों में फंसाकर गिरफ्तार किया गया है, ये एक भाजपा का एक तानाशाही रवैया है और भाजपा सरकार का आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में पुतला फूंक रहे हैं और आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता आज अपने अपने क्षेत्रों में इस तरह के पुतले फूंकने के माध्यम से बताना चाहेंगे भाजपा सरकार को कि अब इनकी ये और तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि मनीष सिसोदिया जी को जल्द से जल्द छोड़ा जाए और जिस तरह से इन्होंने अगर देखे दिल्ली सरकार ने, वो तो जनता ने भी देखा है कि कैसे हेल्थ पे और शिक्षा पे काम किया गया था और सत्येंद्र जैन को भी इसी तरह झूठे केसों में फंसाया गया, इसी तरह से मनीष सिसोदिया जी को फंसाया गया है, तो इन्हें जल्दी से जल्दी रिहा करें। थैंक यू।